तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में भैया असुरक्षा का भाव तो प्रदेश की हर जनता के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के नेता अगर उनसे मुलाकात, अब मुझे नहीं पता कि मुलाकात पहले से निर्धारित थी नहीं थी, पर दिल्ली में आराम करने तो मैं नहीं मानता कि वो गए होंगे आराम करने, क्योंकि एम्स में डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका कोई कार्यक्रम कल सामने तो आया नहीं। बट बहरहाल मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, बट हाँ जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो अविश्वास का माहौल ना सिर्फ गठबंधन के साथियों के भीतर पैदा करता है बल्कि बिहार की जनता के भीतर भी। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली दौरे पे थे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसके बाद वो आंख दिखाने गए थे। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे तब उनका ये बयान था। और साथ ही जो केजरीवाल से मुलाकात की बात चल रही थी उस पर भी वो ये कहते हुए नजर आए कि हम तो बस आंख दिखाने गए थे, उनसे फोन पे तो बात होती रहती है। लेकिन अब चिराग पासवान का भी इस पे बयान आ गया है, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब मुख्यमंत्री जो है वो महागठबंधन में जब रहते हैं तब एनडीए के नेता से मुलाकात करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, और जब एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें तो मालूम चला है कि मुख्यमंत्री आंख दिखाने गए थे और आंख वो अपना दिखाए भी। सबसे पहले आप चिराग पासवान का पूरा बयान सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम दिल्ली गए, नीतीश कुमार दिल्ली गए और मीडिया से ये खबरें आ रही हैं, उनको तवज्जो ना मिला केजरीवाल से, हमने ही अगर किया जाए तो खड़गे से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई अब हमको नहीं पता कि हकीकत क्या है क्या नहीं, बार बार हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आंख दिखाने गए थे, जानकारी तो यही दी गई थी। आंख उन्होंने अस्पताल में भी दिखाई और आंख उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जब वो श्रद्धे अटल जी की समाधि पर जब वो गए। मुख्यमंत्री जी को इतने सालों में तो याद नहीं आई अटल जी की, आज उनको पुनः अटल जी की याद आ रही है। ये अविश्वास है, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अविश्वास पैदा करती है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन की इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नेताओं को वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको वो याद करते हैं। तो भाई आप जिस गठबंधन में रहते हैं उसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे, तो आपको लेकर एक अविश्वास का माहौल हर गठबंधन में उत्पन्न होगा। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, संभवतः नहीं दिया जा रहा होगा भाई, क्योंकि दो दिन से वो दिल्ली में बैठे हैं, गए होंगे तो भाई नेताओं से मुलाकात, कल तो केजरीवाल जी का जन्मदिन भी था दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको बधाई देने तक के लिए नहीं बुलाया गया, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। कांग्रेस के नेता अगर उनसे मुलाकात, अब मुझे नहीं पता कि मुलाकात पहले से निर्धारित थी नहीं थी, पर दिल्ली में आराम करने तो मैं नहीं मानता कि वो गए होंगे आराम करने, क्योंकि एम्स में डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका कोई कार्यक्रम कल सामने तो आया नहीं। बट बहरहाल मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, बट हाँ जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो अविश्वास का माहौल ना सिर्फ गठबंधन के साथियों के भीतर पैदा करता है बल्कि बिहार की जनता के भीतर भी। बार बार दो दो बार आपने जनादेश का अपमान किया, 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार आपने एनडीए के साथ चलाई, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार आप महागठबंधन के साथ चला रहे, तो ये अविश्वास बिहार की जनता के प्रति भी, बिहार की जनता के मन में भी आपके प्रति मुख्यमंत्री जी उत्पन्न होता है जब आप इस तरीके से आप गलत कार्यशैली आप अपनाते हैं, जब आप अपने ही गठबंधन को धोखा देने की नियत के साथ जब आप कदम उठाते हैं। एक और सवाल है कि जो भाजपा के नेता है जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है, उनका हाल उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की हाल है, कि संजय जायसवाल का ये बयान है। देखिए कई ऐसे घटनाएं तो सामने आई हैं जिसमें हिंदू वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। बहरहाल अपराध अनियंत्रित है बिहार में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, पर अगर उसमें अगर आप देखें तो एक हिंदू समाज के लोगों की संख्या कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है, आप अनुसूचित जाति की देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा है। पासवान समाज के युवाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चौकीदार समाज में चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है।
जहां पे एक वर्ग विशेष के लोग हों, एक धर्म विशेष के लोग हों, उनको टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसे में ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पर छोड़ दे नहीं चलेगा। पूरे बिहार की जनता आज की तारीख में भय के माहौल में जी रही है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया। भाई मुख्यमंत्री, एक अनन्य मार्ग के आसपास चेन स्नैचिंग की अगर घटना हो रही है, मुख्यमंत्री के घर के आवास के आसपास आप जाइएगा तो एक अधिकृत घेरा वहां पे बना दिया गया है कि ताकि मुख्यमंत्री जब वॉक पे निकले तो उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि उनके बहुत क्लोज क्वार्टर्स में ऐसी घटना हो गई है। तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में भैया असुरक्षा का भाव तो प्रदेश की हर जनता के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आपने चिराग पासवान को सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आए कि हमें तो मालूम था कि मुख्यमंत्री आग दिखाने गए हैं, अब किससे मुलाकात हुई ना हुई। हालांकि जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे उस दिन केजरीवाल का जन्मदिन भी था, तो नीतीश कुमार उस जन्मदिन में बधाई देने भी नहीं पहुंचे, ये भी चिराग पासवान का कहना है। साथ ही वो यह भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री 15 में एक बार जो है जनादेश को लेकर पलटी मारे थे और एक बार दोबारा भी जनादेश को लेकर पलटी मारे थे, इसको लेकर बिहार की जनता जो है उनसे नाराज है और वो ये कहते हुए नजर आए कि आपका जो है सारा अविश्वास दिखता है कि किस तरीके से आप एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में जाते हैं और एनडीए और महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नेता की याद आ जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।